Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting topic in Maharashtra State Board syllabus of 12th class, which name is Into the Void. And this is the part 2 of this chapter. बच्चो हम आज Into the Void ये जो हमारा chapter है जिसको हमने पिछले video में जो है part 1 देखा था, इस video के अंदर जो है हम इसका part 2 देखने जा रहे हैं. बड़े ही आसान और सरल भाषा में इसका जो है हम line by line explanation, summary, एनालिसिस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको जो है ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आ जाएगा. और स्टूडेंट्स याद रहे, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तीनों के लिए कॉमन है. इसलिए जो है ये जो वीडियो है कोई भी फैकल्टी वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही ज़रूरी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए फिर अब हम आज जो है इस वीडियो के अंदर इनटू द वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, जिसको लिखा है शाज जंग नाम के एक वाइल्ड फोटोग्राफर ने. बड़े ही फेमस है, आपने इसका नाम इससे पहले भी सुना होगा. और ये जो चैप्टर है सीएन ट्रैवलर्स मैगजीन से उठाया हुआ है, वहाँ से लिखा हुआ ये एक लेख है जिसको एज इट इज़ हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर डाल दिया गया है. इसके अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो माहौल है जंगल से रिलेटेड, उस माहौल का जिक्र किया गया है और जंगल के अंदर जो कुछ एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में भी कई सारी चीज़ें बताई हुई है. और शाज जंग जो है किस तरीके से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, उसके पीछे क्या रीज़न था, इसके बारे में भी जो है डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी गई है. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का जो पार्ट टू है जिसमें शाज जंग ने बताया है कि जंगल में जो है दिन ब दिन किस तरीके से हालात बदलते हैं, किस तरीके से अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, किस तरीके से जो है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी जंगल में रहने वाले पक्षियों की और जानवरों की अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं. यानी इसका जो मतलब है कि जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जिंदगी है, वो किस तरीके से वहाँ के जानवर बिताते हैं, उसको यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है. और जहाँ तक बात रही शाज जंग के बारे में, तो उन्होंने जो है BCRTI नाम की एक संस्था बनाई है जिसकी मदद से उन्होंने जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है. और जिसकी वजह से जो है उन्होंने जंगल के आसपास रहने वाले जितने गांव के लोग हैं उन लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया था. इस वजह से कि वो जो है जंगली जानवरों से किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं और उनसे हम किस तरीके से प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं. और दूसरी बात जो है ये है कि जंगल का कंजर्वेशन, संरक्षण हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. ये सारी चीज़ों का जो प्रशिक्षण है ये इनके जो संस्था है जिसका नाम BCRTI है, इसके जरिए ये लोग देने की कोशिश करते रहते हैं. अब हम जो है ये चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं. लेकिन इससे पहले, अगर से आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से 12th इंग्लिश के सिलेबस का जब भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी. और इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोज़ बना कर रखे हैं 12th के सिलेबस के, उन सारे वीडियोज़ की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर आप जो है उसका भी स्टडी आसानी से कर सकते हैं. चलिए तो फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको इनटू द वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर. चलिए पार्ट टू शुरू करते हैं, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल. शाज जंग इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट resolution seeker and lodge owner, all rolled into one. When he is away from the jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, he is leading photography safaris in Africa or showcasing his work at art galleries in capital cities and speaking to those interested in conserving the planet's riches. Shaz Jang naam ke jo इंसान है जो कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र है, जिन्हें कि जो है जंगल में फ़ोटोग्राफी करना बड़ी पसंद है, जंगली जानवरों की, वहाँ के पेड़ पौधों की वगैरह. और ये उनकी एक खासियत ये है कि बिग कैट ट्रैकर है, यानी ये जो लायन, टाइगर, पैंथर, लीपर्ड वगैरह ये जो जानवर है इनका जो है वो ट्रैक करते हैं, इनका पीछा करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं. और दूसरी बात है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर, इसी के साथ साथ इंसानों में और जानवरों में जो कुछ संघर्ष चलता है उसको भी बड़े ही करीब से देखने वाले ये इंसान है और एक लॉज ऑनर है, इनके पास जो है एक लॉज भी है. ऑल राउंडर इंसान है. और जब वो
नागर होल में नहीं होते हैं। नागर होल मतलब क्या है? तो नागर होल जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क के अंदर ही इंक्लूड है। यहाँ जब वो नहीं होते हैं तो फिर वो क्या होता है, दो ऑप्शन उनके पास होते हैं। एक तो वो लीडिंग फोटोग्राफी करते हैं, सफारी फोटोग्राफी सफारी के लिए जाते हैं अफ्रीका में, या फिर अपने शोकेसिंग करते हैं। शोकेसिंग यानी जो प्रदर्शन जिसे बोलेंगे हम, उनकी जो आर्ट गैलरीज हैं, उन्होंने निकाली हुई जो कुछ तस्वीरें हैं उसको जो कैपिटल सिटीज़ है उसके अंदर उन्होंने आर्ट गैलरीज बनाई है, वहाँ पर वो शोकेस में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस तरीके से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, वहाँ उन लोगों के पास में वो जाते हैं और उनके साथ जो है स्पीकिंग करते हैं मतलब उनसे बातचीत करते हैं। और उनका टॉपिक क्या होता है, कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस, कि ये जो हमारी धरती माता है वो जितनी अमीर है, जिसके पास उतनी धन दौलत है, और धन दौलत कौन सी है, ये पेड़ पौधे पक्षी प्राणी इंसान समंदर ज़मीन आसमान, ये जो सारी चीज़ों से ये भरी पड़ी है, इसको हम किस तरीके से इसका संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं, यही उनके जो स्पीचेस होते हैं स्पीकिंग होती है उसका मेन टॉपिक होता है। तो ऐसे ये इंसान है जो जिसे हम शाज जंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के नाम से जानते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं, शाज रिकॉल विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज answering the call of the felines over a career dedicated to finance. It was somewhere around sunset. We were at a junction. यहाँ पर शाज जो है वो recalls करते याद करते और उन्हें वो incident वो घटना बड़े ही clear तरीके से याद है कि उन्होंने किस तरीके से felines यानी मार्जर जाति के जो लोग हैं उनके लिए अपनी जो ज़िंदगी है वो डेडिकेट कर दी समर्पित कर दी, और उनका जो है फाइनेंस का अच्छा खासा बिजनेस था। फाइनेंस की फील्ड छोड़कर उन्होंने किस तरीके से जो है फिलाइंस जिसे हम बोलेंगे मार्जर जाति के लोगों के लिए उन्होंने डेडिकेट कर दी, और वो प्रसंग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, ये शाम का वक्त था। वी वेयर एट अ जंक्शन, हम एक जंक्शन पर थे। द डियर वेयर कॉलिंग ही सेज वी वॉन्ट अराउंड अ ब्लाइंड टर्न He continues, and up ahead on the path was this old leopard. You could tell he was past his time. अब हम जो है एक शाम का वक्त था, हम अपने जंक्शन पर रुके हुए थे। वहाँ पर आसपास जो है हिरनों की आवाज़ आ रही थी, हिरनों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। We went around a blind turn. हमने जो है एक अंधेरे रास्ते से जो है टर्न लिया। वो आगे बोलने लगे, एंड ही अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लीपर्ड, और उन्हें जो है वहाँ पर एक पुराना लीपर्ड नज़र आया। पुराने से मतलब ये है कि वो बुज़ुर्ग था जिसकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम यानी उसके जो उम्मीद के जो साल थे वो ख़त्म हो गए थे, यानी वो बूढ़ा हो गया था। एक बूढ़ा लीपर्ड जिसे हम तेंदुआ बोलेंगे, वो तेंदुआ उन्हें नज़र आया। जंगल हैज टेकन अ टोल ऑन हिम, He only had 3 cannons, और जंगल में जो है उसने अपनी लगता है सारी उम्र बिता दी थी, और उसे सिर्फ जो है उसके मुंह में 3 ही दांत नजर आ रहे थे। His eyes were sagging. Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime. It was like looking at the past and the present. It was clear that there was going to be a fight. और मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो तेंदुआ है वो वहाँ पर रुका हुआ है, जो घबरा रहा है, जिसके जो है उम्मीद के पूरे साल ख़त्म हो गए, उसने जो है अपनी जवानी पूरी तरह से जी ली है, और वो कुछ घबराया हुआ था। उसके आँखों में जो है एक तरीके का डर था, और उसी के साथ में उसी के सामने मैंने देखा कि एक यंग और गुड लुकिंग जो मेल लीपर्ड है, दूसरा एक तेंदुआ है जो कि जवान है, वो उसके सामने ही खड़ा है, और ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों में जो है फाइट होने वाली है। और बच्चों हमें पता है कि जंगल में जो है जंगल का राजा बनने के लिए जो है फाइट होती है, पुराने वाले राजा के बीच में और जो नया वाला जिसको राजा बनना है उसके बीच में, जो जीतेगा वो उस जंगल का राजा बनता है। तो ये जो सिचुएशन है उसी तरीके की बन गई थी, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि फाइट होने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग एंड वी हैड टू
leave, but the next morning I went back to the spot. Sitting on a high rock was that young leopard. Blood was dripping from a gash across his face. He sat there like he was king of the jungle. I knew right then that he had taken over, that it was the beginning of a new journey for him and for me also. Lekin dono ke beech mein jo hai fight hone wali thi, lekin unfortunately raat ho rahi thi. इसलिए जो है ये जो लेखक है शाज जंग, वो कहता है कि हमें वो जगह छोड़नी पड़ी. मैं वहाँ से चला गया, लेकिन दूसरी मॉर्निंग को, दूसरी सुबह मैं वहाँ पर आया और मैंने देखा, मुझे जो है वो जो यंग लीपर था वो नज़र आया. उसके मुंह पर जो है ड्रिपिंग फ्रॉम अ कैश अक्रॉस हिज फेस, उसके जो मुंह से मुंह को एक जख्म हुई थी, है ना. गैश, गैश यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ है गंभीर चोट या फिर जख्म भी बोलेंगे. उसको भी उसके चेहरे के ऊपर एक जख्म हुई थी जिसके अंदर से जो है खून बह रहा था, और वो एक छोटी सी टेकड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, और वो इस तरीके से बैठा था कि मानो अब वही जंगल का राजा है. मैं समझ गया था कि उसने जो है वो पुराने वाले राजा को, यानी जो बुजुर्ग राजा था, बुजुर्ग लिपट था, उसको हरा दिया था, और ये जंगल का नया राजा था. और ये नया राजा बनने के बाद ये जो उसकी जो जर्नी है, उसका जो सफ़र है, ये नया था, और मेरे लिए भी एक नई शुरुआत थी. मेरे लिए नई शुरुआत क्यों थी, क्योंकि मुझे जो है अब से अपना सारा काम धंधा छोड़कर यही काम करना है. मुझे जो है अपना फाइनेंस का बिजनेस छोड़कर यही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है. इसलिए जो हमारा जो राइटर है उसकी भी ये एक न्यू बिगिनिंग थी. फोटोग्राफ ऑफ दैट लीपर्ड द विक्टर स्कारफेस एंड शाज नेम हिम नॉट ओनली मेड शाज फेमस अमंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ community, but also led to Shah's inviolable reputation as a chronicler of the wild. Through my journey of photographing Scarface, I have discovered other leopards, his mates, and discover his nemesis, tigers. I also discovered the current protagonist of my work, Saya. While tracking Scarface. और इसके बाद जो है उस स्कारफेस यानी जिसे हम बोलेंगे कि जो विक्टर था, जो कि ऐसा एक तेंदुआ था जो कि यंग था, जिसने जो है पुराने बूढ़े वाले जो तेंदुआ है उसको हरा दिया था और वो जंगल का राजा बन गया था, तो उसके जो कुछ फोटोज ये शाज नाम के बंदे ने लिया था, इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. फेमस कहाँ हो गया, वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में हो गया. यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है उनकी जो कम्युनिटी होती है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. बट ऑल्सो लीड द शाज इनवायबल रिपिटेशन एज अ क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड. और इतना ही नहीं, इसकी जो नोंद हो गई क्रॉनिकलर यानी इतिहासकार या फिर किसी चीज़ की जो है नोंद रखने वाला, इसको मेंशन करके रखने वाला, यानी उसका जो नाम है इतिहास में अजरामर हो गया. और इसकी वजह से जो है थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर अदर लिपर्ट्स. और वो स्कारफेस के फोटोज काटते काटते जो ऐसा हो गया कि मुझे कई सारे और भी तेंदुए नज़र आ गए. और सिर्फ तेंदुए ही नज़र नहीं आए, मुझे जो है टाइगर्स की भी खोज करने में आसानी हो गई, टाइगर्स भी मिल गए. और मैंने जो है मेरा अभी जो प्रोटोगोनिस्ट है जिसका नाम साया है, प्रोटोगोनिस्ट यानी नायक, जिसको मैं अब जो है जिसको मैं फॉलो करता हूँ. और ऐसा कौन है वो साया, मेरा नायक है, प्रोटोगोनिस्ट है, जो कि मुझे कब मिला, ट्रैकिंग स्कारफेस को मैं ट्रैक करता हुआ जब जा रहा था तभी मुझे मिला. दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर. और ये साया कौन है, दुनिया का पहला ऐसा काला चीता है, पैंथर जिसे बोलेंगे, द बिहेवियर ऑफ विच इज बींग डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटेडली ऑन कैमरा, कि जिसका बिहेवियर जो है कैमरे में इतनी आसान तरीके से जो है मैंने कैद कर लिया है, और सारी दुनिया को इसके बारे में पता चला बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट. और उसकी हर हलचल जो है कैमरे के अंदर कैद हो चुकी है. ऐसा ये दुनिया का इकलौता ब्लैक पैंथर है जिसका नाम मैंने साया रखा है. सो फॉर ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स. और ये ऐसा एक जानवर है जिसकी हर मूवमेंट, हर रिसर्च जो है कैमरे के अंदर मैंने
कैद कर लिए। अब कौन सी रिसर्च है? थ्रू मेनी मंथ्स ऑफ सॉइल शाज हैज मैनेज टू कलेक्ट प्रीशियस फुटेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द एनिमल मेटिंग टू पीस टूगेदर द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ अ ब्लैक पैंथर्स लाइफ। और उसमें कौन सी चीज़ें थी? उसमें ये सारी चीज़ें थी कि बहुत सारी रेयर फुटेज जो कि हमें आम इंसानों को देखने नहीं मिलती, ऐसी कई तस्वीरें थी। इसी के साथ साथ जो है एनिमल की मेटिंग्स थी कि जिस किस तरीके से जो है एक मेल और फीमेल लीपर्ड एक साथ आते हैं और नई जो जनरेशन है उसको क्रिएट करते हैं, वो भी सारी चीज़ें जो है उसने कैमरे के अंदर कैद कर लिया था। यहाँ पर जो है एक शब्द इस्तेमाल किया गया है टू पीस टुगेदर, यानी किस तरीके से जो है दो लीपर्ड्स एक साथ आते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और नई पीढ़ी जो है वहाँ से निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने कैमरे के अंदर कैद किया था और ब्लैक पैंथर को हमने इतनी करीब से जाना है और उसके ऊपर जो है सारी की सारी जो है रिसर्च की है, इसलिए जो है मैं अभी इसको फॉलो करता हूँ, जिसका नाम हमने साया रखा है, साया, स्कारफेस एंड पार्डस, द लीपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस। अभी मेरे पास जो है तीन मेरे नायक है, तीन हीरो है, एक तो साया है, स्कारफेस है और पार्डस है। पार्डस यानी वो तेंदुआ है जिसको जो है स्कारफेस ने हरा दिया था, यानी वो बूढ़े वाला तेंदुआ। हैव ऑल्सो लीड शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी, लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट हैज लीड शाज टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया BCRTI। इट्स एन एजेंसी दैट एजुकेट्स विलेजर्स हु लीव ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द importance of conservation, we are in the heart of the man-animal conflict zone, explained Shaz. There is no specific buffer zone here around Nagarhol. और ये पैसेज में जो है शाज हमें बोल रहे हैं कि इन लोगों का जो हैबिटेट है, नेचुरल जो इनका वस्ती स्थान है, वो अब खत्म होता जा रहा है, इसलिए जो है मैन और एनिमल्स इनका जो कॉम्प्लेक्स्ड है, यानी कॉम्प्लेक्स है जो कि संघर्ष जैसे हम बोलेंगे, वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो है इन्होंने शाज ने जो है BCRTI, जिसे बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम की जो संस्था है, एक एजेंसी है, उसको स्थापन किया। और इसके वजह से जो है फ्रिंज यानी हद, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ के हमें अभी, जैसा कि हमने अभी बताया कि राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है इसको कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी जो है कोई सीमा रेशा नहीं है, इसलिए ये जो जानवर है कभी भी बाहर आ जाते हैं और एनिमल्स और मैन ये दोनों के बीच में जो है वो संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो है इन्होंने BCRTI नाम की एक एजेंसी स्थापन की और इस एजेंसी के जरिए जो है उन्होंने वो जो जंगल है, वो जंगल के आसपास जितने गाँव हैं, वो गाँव के लोगों को जो है ट्रेनिंग देना शुरू की। वी आर इन द हर्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, हम जो है बहुत संघर्ष के करीब है जानवरों में और इंसानों में। देयर इज नो स्पेसिफिक बफर जोन आर अराउंड नागरहोल, नागरहोल के बीच में जो है वो कोई बफर जोन नहीं है, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेयर द फील्ड्स बिगिन, और जहां पर वो फॉरेस्ट खत्म हो जाता है वहीं से गाँव के जो खेत है, जो फील्ड्स है, वो शुरू हो जाते हैं। इन ड्राई सीजन एलिफेंट एंड वाइल्ड बोर इनकर्शंस इनटू फील्ड्स आर वेरी कॉमन, होल्डर लीपर्ड्स लाइक पार्डस हु हैव लॉस्ट टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ऑफन कैरी अवे लाइव स्टॉक फ्रॉम विलेजेस, दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट्स अमॉन्ग लोकल टूवर्ड्स द एनिमल ऑन ऑकेशन लीडिंग टू अनप्लीजेंट सिचुएशन। और इस वजह से क्या हो जाता है कि जब भी कभी सूखा पड़ता है या फिर समर का सीज़न होता है, तो इस सीज़न में हम देखते हैं कि कई सारे जो एलिफेंट्स है और जंगली बोर है वो इस खेतों में आ जाते हैं और खेत में बड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर जो है ओल्डर जो लीपर्ड्स है, जिसको हम पार्डस के जैसे बोलेंगे, कि जो कि बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी जो है टेरिटरी अब उस जंगल में ख़त्म हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो शिकार नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है कि वो राजा नहीं है, इसलिए वहाँ से वो शिकार आसानी से नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें मजबूरी में जो है जंगल के बाहर जाकर शिकार करना पड़ता है। इसलिए जो है वो जंगल के पास में जो खेत है, उस खेतों के अंदर जाकर वहाँ के उनके पास के जो कुछ जानवर हैं, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह, तो इनके ऊपर हमला कर देते हैं।
तो इस वजह से जो है इंसानों को भी नुकसान होता रहता है। यहाँ पर बताया है कि एक शब्द दिया है रिसेंटमेंट, इसलिए जो है उसे हम बोलेंगे नाखुश या असंतोष। इंसानों के अंदर भी जो है इन जानवरों के प्रति जो है असंतोष पैदा होता है। ये चीज़ें दूर करने के लिए जो है ये शाज ने क्या किया है, BCRTI नाम की एक एजेंसी खोली है। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज अंडर द BCRTI अम्ब्रेला शाज प्रोवाइड लोकल्स विथ वोकेशनल ट्रेनिंग विद द एम ऑफ एजुकेटिंग लोकल्स ऑन द मेरिट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड टू हेल्प देम बेनिफिट्स फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी। The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skill training class of their choice. The acquired skills enable local to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city. और BCRTI के जरिए, BCRTI मानो एक अम्ब्रेला, एक छतरी की तरह है। उसने क्या किया, वहाँ के गाँव के लोगों को किस तरीके से जो है इन जानवरों के साथ में बिहेव करना चाहिए ये चीज़ें सिखाई, किस तरीके से अपने खेतों के संरक्षण किया जा सकता है ये चीज़ें सिखाई, इसी के साथ साथ जो है हमारा पर्यावरण किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ये भी चीज़ें सिखाई। जिसकी वजह से जो है इन्हें एक फ़ायदा यह हो गया कि जब भी कोई टूरिस्ट लोग वहाँ पर आते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क में घूमने के लिए, तो इन्हें जो है वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो ये एज अ गाइड उन्हें मदद करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी उधर की जो करेंसी है वो इन्हें मिल जाती है या फिर इनको जो है पैसे का काफ़ी सारा इंतज़ाम हो जाता है। तो क्योंकि ये जो लोग हैं जंगल में रहने वाले लोग या जंगल के आसपास रहने वाले लोग, ये ख़ास तौर पर गरीब किस्म के लोग होते हैं, तो इनके पैसे का भी इंतज़ाम या रोजी रोटी का इंतज़ाम भी है, ये जो संस्था है, जो एजेंसी है BCRTI, इसके ज़रिए हो जाती है। आगे क्या बोल रहा है, मडेगोडा इज वन सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ट्रेन एट BCRTI एंड इज नाउ अ सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बाइसन। इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। और एक इंसान है जो कि मडेगोडा नाम के गांव का है, जो कि एक किसान था, और वो किसान को जो है BCRTI के तहत ट्रेनिंग दी गई और वो आज बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है। द बाइसन नाम का एक अखबार है, उसके अंदर उसके हवाले से ये बात में ये जो खबर है वो दी गई है। इन द पास्ट भूतकाल में आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। मेरा जो है शुगर केन का गन्ने का खेत था जो कि तकरीबन इन जानवरों की वजह से 80% ख़त्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। आई यूज टू हेट देम, मुझे इन जानवरों से नफरत थी, बट नाउ आई हैव लर्न, लेकिन अब मैंने सीख लिया है। क्या सीखा है, हाउ इम्पॉर्टेंट दीज एनिमल्स आर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम इज इट। और उसने कहा कि अब मैं सीख गया हूँ कि ये जो जानवर है वो कितने वैल्यूबल है, उनकी कितनी ज़्यादा कीमत है, और उन्हें बचाना, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका संरक्षण करना कितना ज़रूरी है। आई हैव नोन दीज जंगल्स ऑफ 35 years. आई नो वेयर द एनिमल्स आर एंड आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट। इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक। मैं इस जंगल में 35 सालों से रह रहा हूँ और मुझे पता है कि कौन सा जानवर कौन सी दिशा में रहता है या कहाँ रहता है, और मैं उन जानवरों के गाइड करने के बजाय मैं उन जानवरों को वहाँ आने वाले जो टूरिस्ट है उनका गाइड बनकर वो जो जानवर दिखाता हूँ और उसके बदले मुझे पेड यानी पैसे मिलते हैं। और एक तरीके से जो है ये जानवरों ने जो मेरा खेत बर्बाद किया था इस तरीके से जो है ये जानवर मुझे मेरा पैसा लौटा रहे हैं। आखिरी पैसेज में क्या बोला है, द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मेनी थिंग्स। जंगल ने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई। फॉर इंस्टेंट लिसनिंग इज अ सेंस फॉर मोर इम्पॉर्टेंट दैन साइट। ये सुनना देखने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सुनाई देती है, दिखाई कम देती। कई सारे जानवर, कई सारे परिंदे पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, दिखाई कुछ नहीं देता। यू हैव टू स्विच ऑफ यूर व्हीकल सीट एंड लिसन फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग थ्रू द वॉइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ही एक्सप्लेन्स। और उसने और आगे एक बात बड़ी अच्छी बताई, अगर से आप जंगल में, आपको जंगल से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो गाड़ी है वो बंद करनी पड़ेगी, चाहे 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो, आराम से बैठना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। ये जो जंगल है हमसे बातें करता है, और कौन सी आवाज़ में, जानवरों की आवाज़ में, परिंदों की आवाज़ में जो है ये हमसे बातें करता रहता है।
ट्रैकिंग एन एनिमल आल्सो टीचर्स यू लाइफ लेसन्स। किसी एक जानवर का, एनिमल्स का ट्रैक करना, इसको उसका पीछा करना हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, ज़िंदगी के बारे में कई सारी चीज़ें सिखाता है। द ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट मी पेशेंस। और वो जो ब्लैक पैंथर है, काला जो चीता है, उसने मुझे क्या सिखाया? पेशेंस, सब्र करना, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना। बट लेकिन अब ऑल इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। और सबसे ज़्यादा उसने मुझे एक चीज़ अच्छी सिखाई, वो क्या है? हमेशा खोज में रहो, तलाश में रहो, अपने अपनी जो कुछ टारगेट है, अपने टारगेट की तलाश में रहो। कभी भी बिल्कुल अलर्ट रहो, बिल्कुल जो है जिसे हम गाफिल बोलेंगे, गाफिल ना रहो। लास्ट लाइन क्या बोलती है? देयर आर जस्ट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड। हर जंगल में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेजिंग है, जो अद्भुत है, जो कि आश्चर्यकारक है, जो कि हम दुनिया के साथ में जिसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और जंगल यानी एक रहस्य है। जो जंगल में जाता है वो जंगल का ही हो जाता है, जंगल से उसे मोहब्बत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इनटू द वर्ल्ड का ये सेकेंड पार्ट देखा है। मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान भाषा में जो है वो ये समझा सकूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा के पूरा जो चैप्टर है, पिछले वीडियो में पार्ट वन और ये वीडियो में पार्ट टू, दोनों भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर से वाकई आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलिए।